खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चीन, अमेरिका, रूस के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसे सैटेलाइट को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन उसके बाद राजनीतिक बवाल मच जाता है और राजनीतिक दल चुनाव आयोग तक पहुंच जाते हैं। क्या इस तरह की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की उड़ान पर राजनीति होना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनिया गांधी के संसदीय सीट रायबरेली के लोग मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है ये कितना सही है, अंतरिक्ष पर भारत की उड़ान पर राजनीति कितना सही है। बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोधी जो है गलत इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये जबकि गलत है। ये हम लोग महाशक्ति बन गए हैं तो इस पर सबको खुशी होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये राजनीति तो देश की सेना का है, ये हमारे यहाँ जो भी हो रहा है ये सेना के, इस पे हम धन्यवाद देते हैं और पूरे देश का गर्व है कि हमारी सेना जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे काम कर रही, इसको राजनीतिकरण से नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो शिकायत हो रही है कि चुनाव आयोग में कोई चुनावी मौसम है, इसलिए तरह तरह की बात जो है सामने आकर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, नहीं नहीं ये बात गलत है। इसके पहले 2012 में वैज्ञानिक लोग तैयार थे, मगर उस समय सरकार ने इसको झंडी नहीं दी, मगर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसको कारंजाम दिया, इसलिए ये सही है, उस पर कोई राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल गलत है। मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, देश के हित में किया है, आज देश चौथे नंबर पे खड़ा है। ये बहुत ही गलत है, देश के मान सम्मान और सुरक्षा समझौता नहीं होना चाहिए। ये रायबरेली है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो तमाम देश की सुरक्षा पर मोदी जी के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।